everyone. This is me, Nandini Roy, your host and dost on Bollywood Thikana. Mr. Perfectionist कहलाने वाले आमिर खान, उनकी बेटी ईरा खान डिप्रेशन की शिकार हैं। पिछले चार सालों से ईरा खान डिप्रेस्ड हैं और अब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर उन्होंने इस बात के बारे में पब्लिकली सोशल मीडिया द्वारा जागरूकता फैलाई है। उन्होंने बताया कि वो पिछले चार सालों से डिप्रेशन के शिकार हैं। बॉलीवुड में काफी सारे ऐसे फिल्मी सितारे हैं जो डिप्रेस्ड हो चुके हैं और मेंटल इलनेस से गुजर चुके हैं, जिनमें से दीपिका पादुकोण, उन्होंने भी बताया था कि वो काफी समय से डिप्रेशन की शिकार थी, लेकिन कुछ क्षणों के बाद, कुछ सालों के बाद उनको इस बात का महत्व पता लग पाया कि लोगों को इस बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए और जो भी लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, उनको इस बात को नहीं छुपाकर बल्कि डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए ताकि वो अपनी जिंदगी को बना सके, बचा सके और खुशनुमा बना सके। इसके बाद इलियाना डिक्रूज, उन्होंने भी अपने डिप्रेशन के शिकार होने की बात बताई थी पब्लिकली, वोकली उन्होंने इन चीजों के बारे में जो है दुनिया को बताया था। और अब मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी ईरा खान ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर लोगों को जानकारी दी है। ईरा खान ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा की है। उस वीडियो में वो कहती हैं, हाय एवरीबॉडी, आई एम डिप्रेस्ड। ये उनकी शुरुआती लाइन होती है। वो कहती हैं कि हाय, मैं डिप्रेस्ड हूँ और मैं क्यों डिप्रेस्ड हूँ, मेरे पास तो सभी चीज है, फिर भी मैं डिप्रेस्ड क्यों हूँ, क्यों मेरी जिंदगी ऐसी है, वो इस तरह से कहती हैं। साथ ही वो कहती हैं कि मैं पिछले एक साल से इस बारे में आप सभी के साथ जिक्र करना चाहती थी। मैं चाहती हूं कि लोगों के बीच मेंटल अवेयरनेस बढ़ाऊं, मेंटल प्रॉब्लम आखिर क्यों होती है, कैसे होती है, क्यों नहीं होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। काफी सारी ऐसी बातें हैं वो जो करना चाहती हैं पब्लिकली, और लोगों की जो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं या गुजर सकते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी सोच रखती हैं, उनके इस जर्नी में उनकी मदद करना चाहती हैं। इसी सिलसिले में वो कहती हैं कि आप सभी भी मेरी जर्नी पर आ जाएं और मैंने डिप्रेशन की लड़ाई कैसे लड़ी है, इसका एक एक ब्यौरा मैं हर रोज आपको दूंगी। ईरा खान उस वीडियो में बताती हैं कि मैं क्लिनिकली डिप्रेस्ड हूँ। एक साल पहले उन्होंने डॉक्टर की सलाह ली थी और डॉक्टर उन्हें कहा था कि आप क्लिनिकली डिप्रेस्ड हैं। वो कहती है कि मेरे साथ सब कुछ ठीक भी है और नहीं भी है। मैं इस पूरे जर्नी को, जो डिप्रेशन का जर्नी मैंने जिया है और जी रही हूँ, इसको मैं बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ इम्ब्रेस कर रही हूँ। बता दें कि ईरा खान है जो है वो काफी समय से जो है बाहर ही पढ़ाई कर रही हैं और इंडिया में उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसे फिल्मों में कदम नहीं रखा है, मेन स्ट्रीम सिनेमा में अभी तक कोई कदम नहीं रखा है। उनका डायरेक्शन की तरफ बहुत ज्यादा रुझान है। साथ ही आमिर खान हर सोशल मुद्दे पर, हर सामाजिक मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं और ईरा खान भी ठीक उसी तरह हर सामाजिक मुद्दे पर राय देते हुए नजर आती हैं। और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ के दिन पे उन्होंने ये वीडियो डालकर सभी को मेंटल इलनेस के बारे में अवेयर करने की सलाह दी है और अपनी इस जर्नी पर सभी को एकत्रित होने की सलाह दी है।